ठेकेदारी व्यवस्था को समाप्त करने का दावा करने वाली सरकार में आउटसोर्सिंग के तहत चयनित कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है। सेवा प्रदाता एजेंसी और विभाग के अधिकारी संविदा कर्मचारियों का मानसिक और आर्थिक शोषण कर रहे हैं। बाल विकास परियोजना में ब्लॉक कोऑर्डिनेटर दयाशंकर पटेल संविदा कर्मचारियों के साथ किए जा रहे उत्पीड़न को प्रमाणित कर रहा है। ब्लॉक जंगनेल कोऑर्डिनेटर दयाशंकर पटेल का आरोप है कि बाल विकास परियोजना अधिकारी पीडीओ आदेश मिश्रा निजी स्वार्थ सिद्ध करने के उद्देश्य से थर्ड पार्टी एजेंसी सेवा प्रदाता के साथ मिलकर मेरा मानसिक और आर्थिक उत्पीड़न किया जा रहा है। मेरा लंबित वेतनमान मांगने पर मुझे धमकाया गया, नौकरी से निकालने की धमकी देने के साथ गाली गलौज कर मेरे मान सम्मान को ठेस पहुंचाई। सेवा प्रदाता एजेंसी और डीपीओ मिलकर संविदा पर चयनित कर्मचारियों का सेवा में बनाए रखने के नाम पर अवैध वसूली करते हैं, जो इनके नापाक इरादों का विरोध करता है उस कर्मचारी को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। ऐसा ही ये लोग मेरे साथ कर रहे हैं। 5 महीने के लंबित मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है। मीडिया के माध्यम से न्याय की गुहार लगाई है। जी सर, मेरा नाम दयाशंकर पटेल है और मैं बाल विकास पुष्टाहार विभाग में ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के पद पे आगरा जनपद में कार्य कर रहा हूँ। समस्या यह है सर कि हमारी नियुक्ति 19 जुलाई 2021 को हुई आउटसोर्सिंग के माध्यम से, और उसमें लगभग 9 माह के बाद अनवरत सेवाएं चली, फिर 5 महीने तक अनुबंध समाप्त किया गया माननीय डीपीओ साहब के माध्यम से। अनुबंध समाप्त करने के बाद 5 महीने तक, जबकि शासनादेश का उल्लंघन करके 5 महीने तक ये अनुबंध समाप्त कर दिया गया, फिर उसके बावजूद 5 महीने तक कार्य भी लिया गया हम लोगों से ये आश्वासन देकर कि आपको नई सेवा प्रदाता जो आएगी उसके माध्यम से आपको भुगतान किया जाएगा, कार्य करते रहे। नई सेवा प्रदाता आने पर उन्होंने शासनादेशों का और ये बिड की कार्यवाही के नियमों का उल्लंघन करते हुए, जिस पर डीएम साहब भी हस्ताक्षरित हैं, उसका उल्लंघन करते हुए टाइपिंग टेस्ट वगैरह भी लिया गया जिला कार्यक्रम अधिकारी महोदय और सेवा प्रदाता की अनियमितता के कारण। इस तरीके से लिया गया कि सिर्फ कार्मिकों का शोषण हो सके, जिसके उपरांत नई सेवा प्रदाता ने पुराने कर्मियों का भी इंटरव्यू लिया पूरी तरह से शोषण हेतु। फिर उसके बाद सेवायोजित करने हेतु 10,000 रुपये की मांग किया, फिर वहाँ पे भेज दिया हमें जो है बाल विकास परियोजना आगरा शहर से जगनेर के लिए भेज दिया गया, जो कि शासनादेश का उल्लंघन है। और लगातार हमें जो है धमकियाँ दी जाती है नौकरी से निकालने की और झूठे आरोप लगाने की कि आपको जो है झूठे आरोप में फंसा कर जो है आपकी सेवाएं समाप्त कर दी जाए। धमकी क्यों दे रहे हैं? धमकी सर इसलिए दे रहे हैं कि जो हम 5 महीने की मानदेय का जो है मांग कर रहे हैं उस विषय में आवाज उठा रहे हैं, इस वजह से धमकियां दी जा रही है। डीपीओ का क्या नाम है? डीपीओ साहब का नाम है श्री आदिश मिश्रा। सर मानसिकता यही है कि हम अगर 5 महीने का जैसा अनुबंध समाप्त किया गया तो हमने अपना कार्मिक भुगतान के लिए आवाज उठाई, उसमें यही हुआ कि आप शिकायत क्यों कर रहे हैं हमारी। हमने कहा सर मैं शिकायत नहीं, अपनी समस्या लिख रहा हूँ, मैं अल्प वेतन भोगी कार्मिक हूँ, ये हमारी समस्याएं हैं, मैं चाहता हूँ कि समस्या। और बिलोंग करने वाला मैं सर इलाहाबाद जनपद से हूँ। किराए पर रह रहे हैं? जी सर किराए पर रह रहा हूँ और हमें वर्तमान निवास स्थान से लगभग 70 से 80 किलोमीटर एक ठेका कार्मिक को जो है परिवर्तित कर दिया। हमें सर 20,000 रुपये मानदेय निर्धारित है हमारा, लेकिन हमें दिया जाता है सर 15,000 समथिंग कुछ लगभग। खर्च सर लगभग एक बार में जाने में 100 रुपये कम से कम जाने में लगता है, 100 रुपये आने में सर। जी सर ये बहुत ही दैनिक कार्मिक और मानसिक शोषण जो है बहुत ही बेहतर किया जा रहा है, जिससे मैं पूरी तरह बहुत आहत।